बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। और कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आप सब लोगों के साथ, ये पंजाब की एक बहुत ही फेमस डिश है पटियाला चिकन, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही जबरदस्त जायकेदार बनकर तैयार होता है। तो आप भी इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए और इसके बनाने का तरीका। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चिकन को सबसे पहले मैरिनेट करना होगा। तो ये 750 ग्राम चिकन है, इसको मैंने अच्छे से धोकर बिल्कुल साफ कर लिया है और इसका सारा पानी खुशक कर लिया है हमने। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले दही। तो मैंने यहाँ पर लिया है ये हाफ कप दही। वन एंड हाफ टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। वन एंड हाफ टीस्पून कसूरी मेथी पाउडर। कसूरी मेथी को आप हाथ पर लेकर इसको अच्छे से बारीक कर लें। हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। वन टीस्पून या टेस्ट के मुताबिक नमक। हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर। हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर। वन टीस्पून भुना जीरा पाउडर। वन एंड हाफ टीस्पून या टेस्ट के मुताबिक लाल मिर्च पाउडर। थ्री टीस्पून धनिया पाउडर। अब इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें। तो हम इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, हमने ये सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको आधा घंटे के लिए इसी तरीके से कवर करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। कम से कम आधा घंटे के लिए तो आपने इसको रखना ही है। तो चलिए इसके ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है ये 3 मीडियम साइज की प्याज। इसको हमने बारीक बारीक बहुत ही ज्यादा फाइनली चॉप कर लेना है। हाफ कप क्रीम या दूध के ऊपर की जो मलाई होती है वो आप उतार कर उसको फेंट कर उसको इस्तेमाल कर सकती हैं इसकी जगह पर। और ये है काजू और बादाम का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर ये 15 काजू और 15 पेस्ट लिए हैं और इनको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है बहुत फाइनली एकदम। और 3 हरी इलायची और हमें चाहिए 3 अंडे और 3 हरी मिर्च। तो ये अंडे हैं, मैं इनको बॉईल कर लूँगी। टमाटो पेस्ट 3 मीडियम साइज के टमाटर लेकर इसको भी हमने ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए अब इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी चिकन को हमारे मैरिनेट होते हुए आधा घंटा हो चुका है। तो देखिए, मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो मैंने यहाँ पर ये हाफ कप ऑयल लिया है। वैसे तो ये देसी घी में ही बनता है और देसी घी में ये बहुत मज़ेदार बनता है, लेकिन ऐसे भी बहुत मज़े का बनता है। तो आप चाहे घी ले लें या आप रिफाइंड ले लें या ऑयल ले लें। तो मैंने यहाँ पर ये रिफाइंड लिया है और ये इसको मैंने गर्म कर लिया है। तो इसमें मैं डाल दूंगी ये 3 हरी इलायची। इसका मुँह खोल देंगे हम, ताकि इसके जो फ्लेवर हैं वो ऑयल में अच्छे से आ जाएँ। कुछ सेकंड के लिए ही इसको हम फ्राई करेंगे। इसके बाद फिर हम इसमें ये बारीक चॉप की हुई प्याज डाल देते हैं। और प्याज को हमने लाइट पिंक कलर में ही फ्राई करना है, इसको हमने ज्यादा फ्राई नहीं करना है। तो फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको कितना फ्राई करना है। देखिए, हमारी ये प्याज फ्राई हो चुकी है। इसको हमने बस हल्का गुलाबी ही फ्राई करना है, बस इतना ही। इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना है बिल्कुल भी। अब हम इसमें ये मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे। और गैस की फ्लेम को हमने हाई टू मीडियम ही रखना है। और इसको हम 5 मिनट तक भून लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो इसको हमने 5 मिनट तक भून लिया है और इसका ये ऑयल जो था, देखिए ये भी सरफेस पर आना शुरू हो गया।
तो अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटो का पेस्ट और इसको भी इसमें मिक्स कर देते हैं। तो टमाटो पेस्ट डालने के बाद इसको हमने 2 मिनट तक और पका लिया है इसी तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो जिस बर्तन में हमने चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखा था उसमें थोड़ा मसाला था, तो उसमें हमने आधा कप पानी लेकर उसमें डालकर और ये पानी हम इसमें डाल देते हैं। पानी डालने के बाद जैसे ही इसमें एक बॉयल आता है तो उसके बाद फिर हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पे कर देंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए रख देते हैं इसी तरीके से। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ 20 मिनट के बाद। तो देखिए इसको पकते हुए पूरे 20 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा चिकन जो है ना, चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। तो इसका जो पानी था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये काजू और बादाम का पेस्ट। और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको 3 से 4 मिनट इसी तरीके से और पकाते हैं। जो हमने काजू और बादाम का पेस्ट डाला था उसको डालकर हमने इसको बहुत अच्छे से ये भून लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये क्रीम। और इसको भी इसमें मिक्स कर लेते हैं और इसको अब हमने इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो सरफेस पर आ जाए और मसाला हमारा अच्छे से भूनकर तैयार हो जाए। तो चलिए इसको भूनने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अब ये हमारा अच्छे से भूनने लगा है और इसका जो ऑयल था वो देखिए सरफेस पर आना शुरू हो गया है और इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है और इसकी ग्रेवी देखिए ऐसी हो गई है, ये इतनी थिक है इसकी ग्रेवी। और काजू और बादाम का पेस्ट और क्रीम डालने से इसकी ग्रेवी और बहुत ज़्यादा रिच हो जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। देखने में जितना अच्छा लग रहा है इससे ज़्यादा इसका जायका है। बस इसको 2 से 3 मिनट और हम इसको इसी मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से भूनेंगे इसको और ताकि और जो इसका ऑयल है वो सब सरफेस पर आ जाए और ये मसाला अच्छे से भून के तैयार हो जाए। और बस इसको 2-3 मिनट भूनने के बाद फिर हम इसको डिश आउट करते हैं और अंडे भी हमारे बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए अंडे भी हमने बॉयल कर लिए हैं, अब इनको हम बीच में से कट कर लेंगे। तो देखिए अब ये बहुत अच्छी तरीके से ये भुन चुका है इसका मसाला। देखिए मसाले में ऐसे जाल जाल सा बन रहा है और ये मसाला हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से भुना है और हमारा ये बहुत परफेक्ट तरीके से पटियाला चिकन बनकर तैयार हो गया है। तब हम करते हैं गैस को ऑफ और इसमें हम ये हरी मिर्च भी डाल देते हैं और इसको अब हम ये उबले हुए अंडों से गार्निश करेंगे। चलिए जी अब हमारा ये पंजाब का बहुत ही फेमस पटियाला चिकन बनकर अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको तंदूरी रोटी, पराठा और सादा रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही जायकेदार बना है, आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना तो बनता है ना, बिल्कुल बनता है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।